हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन करंट अपडेट क्या है। रिक्वेस्टेड रीडिंग काफ़ी अर्से से चल जा रही है और पता नहीं कि मेरे से हो ही नहीं पा रही थी। समाव एक कैंडल वैक्स रीडिंग तो लिटरली ख़राब हो गई, लिटरली मतलब वो शूट ही नहीं हुआ या प्रॉपर वो आवाज़ वगैरह सब बहुत। जब भी मैं थर्ड पार्टी रीडिंग करती हूँ तो कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो विद अ पॉजिटिव एनर्जी बहुत सारा क्रिस्टल्स एंड वो सब करके बाद ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग, क्योंकि एनर्जी काफ़ी हैवी है। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आ रहा है। और प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, स्टे विथ मी, क्योंकि एनर्जी बहुत हैवी होती है थर्ड पार्टी की। क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, दो आए हैं, एस ऑफ वैंड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, ओके, एंड द एम्प्रेस। अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन होती क्या है कि दो लोगों के रिलेशन में जो कोई तीसरा चीज़ आ जाते हैं ना, पर्सन हो, सिचुएशन हो, वो चीज़ थर्ड पार्टी होती है। तो थर्ड पार्टी कुड बी द जॉब, करियर, बिजनेस, कोई पेरेंट्स जॉब के रिश्ते के बीच में आ रहे हैं। अभी ये इसका मतलब ये नहीं कि अपने पेरेंट्स ही गलत होते हैं, नहीं, बस वो आपके रिश्ते के अगेंस्ट होते हैं। पेरेंट्स सही होते हैं, पेरेंट कोई भी पेरेंट्स है वो सही के लिए ही सोचेगा, आपके हो, उनके हो, कुछ भी हो, बट रिलेशनशिप में वो समझ नहीं पाते कि ये सही नहीं लगता प्रैक्टिकली, या सोच समझ के ऐसा लगता है कि नहीं ये सही नहीं है। तो दूसरा है कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो सकता है। तो फिर मतलब कोई रिलीजन ही डिफरेंस है, कास्ट ही डिफरेंस है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटस हो, और कोई थर्ड पर्सन स्पेसिफिकली, कोई थर्ड पर्सन आपके रिश्ते के बीच में आ जाए। अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, अचानक से कोई तीसरा इंसान एंटर कर गया, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होता है। अभी इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी क्या चल रही है, क्या सिचुएशन हो सकती है, वो जानने की कोशिश। पहले तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए बॉटम डेक है, डेथ, और यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है ना, ज़बरदस्त है। अभी ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो इसमें मुझे जो थर्ड पार्टीज नज़र आ रही है वो है एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। दूसरा नज़र आ रही है कि उनके घर में कोई मदरली फिगर, कोई मतलब उनकी माँ है, वो इस रिश्ते को, इस रिश्ते के अगेंस्ट है। उनकी कहीं शादी हो रखी है, वो एक इशू हो सकता है। दूसरा चीज़ ऐसा फील हो रहा है ना कि उनकी ही ना एक हैबिट्स, उनका अपना नेचर, वो भी एक थर्ड पार्टी का एक हिस्सा है। एक अपनी जिद है, अपनी एक कर्मा है, अपनी एक कार्मिक सिचुएशन की वजह से ना इंसान ना अपने ही दुनिया में रहता है, अपने आप को ही समझता है, मैं ही सही हूँ और मैं ही सही हूँ। मतलब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी ऐसे ही हो सकता है, दूसरा किसी चीज़ से नहीं हो सकता, दूसरे कहीं तरीके से नहीं हो सकता। ये जो सोच है ना, कभी एकदम ट्रेडिशनल थॉट, नहीं ऐसे ही होता है, अभी तक ऐसे ही होता आया है। तो ये जो है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच हो या फिर फाइनेंशियल स्टेटस को इम्पोर्टेंट, लाइक पैसा इम्पोर्टेंट है, किसी पैसा किसी के पास ज़्यादा है या फाइनेंशियल स्टेटस किसी का ज़्यादा है। एग्जांपल के तौर पे कि शादी के लिए रिश्ता आया है, तो वो जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल, उसकी सब कुछ जैसे ठीक ठाक है, सब कुछ जैसे बेहतर है आपसे। तो वो जो लड़की है वो जो ना शादी के लिए बंदा है उसको चूज़ करे, तो ये हो गया थर्ड पार्टी सिचुएशन।
रिश्ता मतलब इमोशनली बॉन्डिंग तो आपसे है, लेकिन लगा क्या ठीक? वो ये टाइप के एग्जांपल, या फिर पेरेंट्स पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं भाई ये लड़की नहीं जमेगी या ये लड़का नहीं जमेगा, तुम लोग को मुझे नहीं जमेगा, बस अभी मेरी मर्जी से इतना पाल पोस के बड़ा किया है, ये है वो है, अभी बस मेरी सुन नहीं रहे हो। या फिर मैरिड हो आप तो जब इन लॉज है तो वो कहते हैं कि बस तुम अपनी बीवी की सुन रहे हो या तुम अपने हस्बैंड को ही ज़्यादा सुन रही हो, ये नहीं सही वो नहीं सही। ये जो है ना आपके रिलेशन में जो बाधाएं डालते हैं वो थर्ड पार्टी होती है। तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एक तो हो सकता है कि उनके घर में जो मदरली फिगर है, मम्मी हो सकती है, उनके पेरेंट्स इन लॉज वो हो सकते हैं, कोई बड़ी बहन हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं। दूसरा चीज़ मुझे ना स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनकी हैबिट्स, इनका नेचर, इनका सही जगह पे रिलेशन में एंट्री नहीं करना ना, मतलब ये जो मैंने अभी एग्जांपल में दिया ना कि फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंसेस की तरफ ज़्यादा झुक गए कि भाई ये सही लग रहा है, ये प्रैक्टिकल लग रहा है, ये पर्सन सही लग रहा है, ये वाली चीज़, ये जो सिचुएशन की वजह से इन्होंने किया है बैक स्टैबिंग, मतलब आपके साथ किया धोखा पीठ पीछे। काफ़ी हद तक ना कुछ लोगों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है या पता ही नहीं था कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन का इतना इम्पोर्टेंस है ना कि आपको मतलब ना के बराबर, आप उनसे प्यार करते हैं उस बात का इतना मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग या कहे आप मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं मतलब इतना घमंड या इतना टेकन फॉर ग्रांटेड, यस टेकन फॉर ग्रांटेड जो फीलिंग है ना कि मुझे पता है ना ये इंसान कहाँ जाने वाला है, घूम फिर के तो यहीं आने आए, ये जो इनका एटीट्यूड है वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब आप भी कुछ एक्सपेक्ट करें इस रिश्ते में, ये बात का कुछ मतलब ऐसा सोचना ही नहीं है, ये सोचा ही नहीं, आप तो समझ जाओगे, आप तो एक्सेप्ट ही करोगे, ये सोच ही चल रही है। तो ये भी एक सोच है जो उनकी नो फील हो रही है मुझे कि ये एग्जैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्रिएट की, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन यही है, ये जो उनकी सोच भी है, ये ना बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ का अट्रैक्शन के पीछे बहुत ज़्यादा होता है। चीज़ चमक गई तो वो सोना, बस उतना ही, मतलब वो चमक रहे रहे कोई चीज़ तो सोना बन के पीछे पड़ जाना, ये वाली चीज़ मुझे बहुत दिख रही है। अभी सिचुएशन में क्या चल रहा है? सिचुएशन में ये चल रहा है कि जिस तरह से उनकी जो स्पाउस है, उनकी जो मदर है, उनकी तरफ से ऐसा कुछ एटीट्यूड या ऐसे कुछ बिहेवियर उनका स्वभाव देखने मिला जिसकी वजह से उनको लगा कि ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी माँ या मेरे पिता, मेरे हस्बैंड वाइफ कैसे कभी ऐसा कुछ कहेंगे सोचेंगे। पैसे के मामले में इतनी दिक्कत होगी, फाइनेंशियल लॉस होगा, ये फाइनेंशियल जो है ना अचानक से जॉब छूट गई है, ऐसा बिजनेस का लॉस हुआ है, कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ ना जिसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये जो पर्सन है स्पेशली, वो पर्सन पूरी तरह चेंज हुआ और इनको लग रहा है कि धोखा हुआ। अभी पर्सन चेंज नहीं हुआ है, पर्सन वही है, इनका जो सोच है ना वो बदल गया। इनकी सोच है ना, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि सामने वाला पर्सन भी वही तो प्रैक्टिकल हो सकता है ना, वो भी तो अपना ही सोच सकता है, वो भी अपने लिए सही सोच सकता है, अपनी सिचुएशन में अपने आप को बचाना वो भी तो समझ सकता है ना। तो वो बस उसने अपना चीज़ दिखाया और इनको लग रहा था कि भाई आपके जैसा वो भी प्यार व्यार सब कुछ हो रहा है, तो फंस गए। अभी उनको लग रहा है धोखा हुआ, धोखा नहीं हुआ है, सही को लाइक ना जैसे को तैसा मिला है, किसी ने उनको औकात दिखा दी हो, किसी ने असलियत दिखा दी हो, सच्चाई दिखा दी हो, जो चमकता हुआ जो सोना है, चमकती हुई परत है वो खुल गई, अभी कुछ नहीं चमक रहा है, तो वो सब ऐसा लग रहा है कि धोखा हुआ। बट सामने वाला तो चमक ही रहा था ना, उसने कब कहा था कि मैं सोना हूँ? तुमने समझ लिया ना, आपके जो पर्सन है उन्होंने समझ लिया कि सोना है। तो अभी अपनी ही गलती पे पछताना है, अपनी ही गलती पे लाइक खुद ही लेटे पड़े हैं, धोखा हुआ, धोखा तुमने दिया, तुमने खुद को धोखा दिया,
अपने प्यार को धोखा दिया तुमने, इसी की सजा मिल रही है, इसी कर्मों की सजा मिल रही है। कुछ लोग केसेस में लिटरली उनको तो समझ में ही नहीं है, क्योंकि ऐसा अंधविश्वास की बात नहीं है, बट एक नेगेटिव एनर्जी है, आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बिहेव कर रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं। ये बहुत सिचुएशन है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस सिचुएशन में ये एंड होने वाले हैं, ये जो कार्मिक सिचुएशन है एंड होने वाली है, ये जो अभी तक ना लेयर्स पे लेयर्स चल रहे हैं ना, वो खुलने वाले हैं अपने आप, क्योंकि यूनिवर्स के आगे किसी का नहीं चलता, चलता तभी है जब यूनिवर्स चलती है। हम भाई एक रहता ना कि किसी चीज़ का तुम ठीक है सहो एंजॉय करो, बाद में जो पता चलेगा क्या है, तुम्हारी भी तो परीक्षा है, असली नकली का पहचान करण तुम्हें प्रॉब्लम होता है, सच्चे प्यार को साथ देने में प्रॉब्लम होता है, तो फिर भुगतो। तो इस सिचुएशन की एंड होने वाली है, ये सिचुएशन से वो बाहर निकलने की सोच रहे हैं या सोचने वाले हैं डेफिनेटली। ये देखो पूरा क्वीन ऑफ सॉर्ड, मतलब अपनी हद, मतलब अपनी ही चलाने वाले हैं, जैसे ना किसी के आंखों पे से पर्दा हट गया हो, किसी को अचानक से समझ में आ रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। इतने आर्ग्यूमेंट्स है, इतनी मतलब पैसे के बारे में तो बहुत चल रहा है कि क्या, मुझे ऐसा लगता है ना कुछ लोग केसेस में ऐसा ना कि पैसे की दिक्कत चालू है, कि या तो उनको थर्ड पार्टी को पैसे से रिलेटेड कुछ देना पड़ेगा, जैसे कि एलिमनी हो, या फिर मतलब ऐसे फाइन मतलब जायदाद से बेदखल वाली फीलिंग आ रही है कि ऐसे धमकी दिए है, या फिर तुम्हारा ये सब मेरा है, वगैरह कुछ तो ऐसा गड़बड़ हो रहा है मतलब उनके सिचुएशन में, जिसकी वजह से ना बहुत बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। ये अके आपसे बताना, मतलब बताना इन द सेंस कि दिल का हाल, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन किस मुँह से कहे, गलती तो खुद ही की है ना, अभी कहाँ से किस मुँह से कहे वाली फीलिंग आ रही है। अपनी ही सोच भारी पड़ गई है, अपनी ही डिसीजंस भारी पड़ गए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया है, इन्होंने ही किया है अपना डिसीजन रॉन्ग। सिर्फ कुछ केसेस में निगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से इनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। लेकिन इस चीज़ में अभी नई शुरुआत होगी, ये इस चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हैं, ये सिचुएशन का एंड होगा, ये अपने डिसीजंस लेंगे, कटआउट करके आएंगे, और ये अपनी तरफ जो है ना खुशियाँ, एक्चुअली हैप्पीनेस, अपनी डिसीजन, अपनी सोच उसके ऊपर आने वाले हैं। मुझे क्या चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, ये वाले चीज़ पे आने वाले हैं, मेरा असली हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस उस चीज़ के ऊपर आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें ना अभी ये लिटरली उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेट्स सी कि यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए क्या है। बिलीव इन गुड, बी हम्बल, फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो, तो बी हम्बल, सिचुएशन पे गुस्सा वगैरह कुछ मत हुई है, सिचुएशन को यूनिवर्स के हवाले छोड़ दीजिए, और अपने ऊपर जो एक दर्द, गुस्सा, एंग्जाइटी सब रखा है ना वो छोड़ दीजिए, अपने ऊपर ध्यान रखना है, खुश रहना, यूनिवर्स देख लेगी जो करना है। और फर्स्ट क्वार्टर मून इन सजिटेरियस, बिलीव इन योर गुड लक, तो आपका जो गुड लक है वो शुरू हो रहा है, मतलब किसका टाइम जा रहा है, आपका टाइम आ रहा है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैसा है ना, सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, निकलने की कोशिश में है, निकलने वाले भी हैं। अभी ये सिचुएशन ना अंदाजन सितंबर तक ख़त्म होते मुझे नज़र आ रही है, और कुछ लोग केसेस में नेक्स्ट ईयर जाएगा, लाइक 8 महीने का पीरियड मुझे दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग केसेस में थोड़ा जल्दी हो सकता है, सितंबर तक सिचुएशन खुल सकती है। बट इसके लिए ना आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है, आपको अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, उनसे मतलब जो हीलिंग है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, किसी की तरफ देख रहे हैं, एक सहारा, सपोर्ट, स्ट्रेंथ, तो वो आप अगर है तो आप में वो स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, वरना सिचुएशन से तो निकलेंगे लेकिन आपकी तरफ नहीं आएंगे, ये मैं बता रही हूँ। तो ये थी रीडिंग, बिलीव इन अ गुड लक, अपना नसीब खराब नहीं है, ये बात पहले ध्यान दीजिए, सिचुएशन एंड होने वाली है, डोंट वरी एंड होप फॉर द बेस्ट। तो ये थी रीडिंग,
आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिला हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.